राधे राधे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोरीज ऑफ राधा रानी में। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वो ऋषि जन्मदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। जब धरती पे क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। उनकी पत्नी का नाम धरानी था, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी। परशुराम नाम का अर्थ है कि राम जिनके पास परशु हो। भगवान परशुराम ने 21 बार सारी क्षत्रियों का वध करके उन्हें धरती से मिटा दिया था। और ऐसा माना जाता है कि 21 बार के बाद जब वो श्री राम से मिले, वो भी विष्णु के ही अवतार थे, तब उन्हें पता चला कि कुछ क्षत्रिय अच्छे भी होते हैं। इसीलिए उन्होंने राम से मिलने के बाद क्षत्रियों का वध करना बंद कर दिया था। एक मान्यता ऐसी भी है कि जब परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका था, तब समुद्र भगवान परशुराम के परशु से डर के पीछे हट गया, मतलब उसका पानी पीछे हट गया, और वहां पे जो जगह बची थी उसी जगह पे केरला का निर्माण हुआ है। भगवान परशुराम अपने माता पिता का हर आदेश मानते थे। एक बार उनके पिता ने उनको उनकी माता का सर काट के देने का आदेश दिया था। भगवान परशुराम की आंखें अश्रु से भर गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता का आदेश माना, परंतु फिर अपने पिता से उनकी मां को पुनः जीवित करने का वरदान भी ले लिया था। भगवान परशुराम श्रवण कुमार जैसे महान पुत्र भी थे। भगवान परशुराम भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण के भी गुरु माने जाते हैं। भगवान परशुराम अमर हैं, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। बोलो भगवान परशुराम की जय। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। हरे कृष्णा।